बॉडी में आर्थिक रूप से कमजोर और भिक्षावृत्ति में पाए जाने वाले बच्चों को बाल विकास और महिला कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। जिला बाल विकास अधिकारी देव थपलियाल ने कहा कि भिक्षावृत्ति के बच्चों के लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बाल विकास विभाग और महिला कल्याण विभाग के माध्यम से स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्चों को भारत सरकार की ओर से 4,000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे इन बच्चों को भिक्षावृत्ति से दूर रखा जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 42 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, जैसे जनपद में जो भी भिक्षावृत्ति में बच्चे लगे हैं तो ऑपरेशन मुक्ति का कार्यक्रम इनके लिए चलाया जा रहा है। और ऐसे बच्चों के लिए जो हमारा विभाग है, महिला कल्याण विभाग है, उसके अंतर्गत एक योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना, उसका संचालन किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम चिन्हित कर लेते हैं और 4,000 रुपये की इनको मासिक छात्रवृत्ति स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके चयन के कुछ मानदंड हैं, उन मानदंडों के आधार पर हम बच्चों का चयन करते हैं और वर्तमान में पौड़ी जनपद में 42 बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।